हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सीए स्कॉलरशिप टेस्ट का बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया। अच्छे अच्छे मार्क्स आए बच्चों के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20% स्कॉलरशिप हासिल किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 35% स्कॉलरशिप हासिल किया, और बहुत स्टूडेंट्स ने 50% स्कॉलरशिप भी हासिल किया। और ये स्कॉलरशिप उनको मिल रहा है हमारे अपकमिंग बैच ऑफ सीए फाइनल FR रेगुलर कोर्स, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, वी स्मार्ट की तरफ से और मैं अपनी तरफ से। गाइस, अब आप इस वीडियो में समझेंगे कि आपको ये स्कॉलरशिप किस तरीके से दिया जाएगा। आपने टेस्ट दे दिया, ऑल राइट, टेस्ट के बाद आपके मार्क्स आ गए, आपको स्कॉलरशिप मिल गया। अब ये स्कॉलरशिप अवेल कैसे करने का है ये समझने का टाइम आ चुका है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यू डिजर्व अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। हमारी तरफ से, वी स्मार्ट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें क्योंकि आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो स्कॉलरशिप का परसेंटेज मिला होगा, अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 50% स्कॉलरशिप हासिल किया तो सर्टिफिकेट में 50% लिखा आएगा, 35 लिखा आएगा या फिर 20 लिखा आएगा, राइट? तो ये सर्टिफिकेट आपको भेजा जाएगा आपके एड्रेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब स्कॉलरशिप हम कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं? हम ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे आपके अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में, आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करके, या फिर आपको चेक प्रोवाइड करके। ऑब्वियसली हमने इस तरीके से चेक्स बना के रखे हैं, ये एक फॉर्मेट है, चेक इस तरीके से बना के रखे हैं। इफ यू आर एलिजिबल फॉर 20% स्कॉलरशिप, देन टेंटेटिवली योर स्कॉलरशिप वुड बी 2600। जैसे FR का जो कोर्स है, उसका जो ऑनलाइन डाउनलोड अगर आप परचेस करोगे तो दैट इज 12999, तो उस पर आपको 2600 का मिलेगा। इफ यू आर एलिजिबल फॉर 20%, इफ यू आर एलिजिबल फॉर 35%, देन यू विल बी गेटिंग 4550 ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट, और 6500 इफ यू आर एलिजिबल फॉर 50% ऑफ द स्कॉलरशिप। ये चेक की कॉपी है, ठीक है ना? टेक्निकली हम यहां पर आपको आपके अकाउंट में ये अमाउंट डालेंगे, आपको अपने अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम ये अमाउंट कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा देता हूं, एंड रीड दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहले, ये जो स्कॉलरशिप है इसका वैलिडिटी है 90 डेज। 90 डेज मतलब आपको 90 डेज के अंदर अंदर हमारा सीए फाइनल FR रेगुलर सिलेबस परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? इफ यू आर परचेजिंग इट विद इन 90 डेज फ्रॉम द मेल, और यू आर गेटिंग द मेल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, वहां से लेकर 90 डेज तक आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा। हु कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप? वही बच्चे स्कॉलरशिप अवेल कर पाएंगे जिन्होंने अपने आप को स्कॉलरशिप टेस्ट में रजिस्टर किया था, उनके मार्क्स आए और उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये स्कॉलरशिप आप किसी और को, किसी अपने फ्रेंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको आपके नाम पर ही मिलेगा, आपको आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, ठीक है? हाउ टू अवेल द स्कॉलरशिप? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू नीड टू परचेज सी ए फाइनल FR रेगुलर कोर्स विद द सेम लॉगिन डिटेल्स। आपने जो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था उसके लिए आपने अपने आपको रजिस्टर किया था हमारे वेबसाइट पर vsmartacademy.com। आपने जिस लॉगिन आईडी से अपने आपको रजिस्टर किया था, उसी लॉगिन आईडी से आपको FR का रेगुलर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। याद रखेगा, FR का रेगुलर कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सेम लॉगिन से आप रेगुलर कोर्स परचेज करेंगे, देन सेंड योर कोर्स परचेज डिटेल टू अस। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपने जैसे ही कोर्स पूरा परचेज कर लिया, आप ऑनलाइन डाउनलोड परचेज कर सकते हो, आप पेन ड्राइव परचेज कर सकते हो, व्हाट एवर द अमाउंट इज, आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने स्कॉलरशिप आपने कोर्स परचेज कर लिया, अपनी ऑर्डर डिटेल्स आप इस मेल आईडी पर दे देंगे, scholarship@vsmartacademy.com। ये मेल आईडी नोट करके रखिए। आप FR रेगुलर कोर्स परचेज करने के बाद अपनी ऑर्डर डिटेल्स, इंक्लूडिंग योर नेम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको सब कुछ अलॉन्ग विद द ऑर्डर आपको इस मेल पर करना है, ठीक है ना? आपको इस मेल पर हमें सेंड करना है। उसके बाद क्या होगा, वंस वी रिसीव योर ऑर्डर परचेज डिटेल, वी विल ट्रांसफर योर स्कॉलरशिप अमाउंट। आप जैसे ही हमें मेल करेंगे, हम उसका एक वेरिफिकेशन करेंगे। डेफिनेटली आपका एक वेरिफिकेशन ऐसे किया जाएगा कि कोर्स आपने परचेज किया है, स्कॉलरशिप के लिए भी आप ही एलिजिबल थे। उसके बाद हम आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। इफ यू वांट द चेक फ्रॉम अस, हम आपके नाम का चेक बना के आपको कुरियर कर देंगे, ठीक है ना? तो आप जब ये मेल करेंगे हमें, तो आप अपने अकाउंट डिटेल भी हमें दीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल विथ प्रॉपर IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, योर नेम और टाइप ऑफ अकाउंट जो भी होगा आपको इसमें डालना पड़ेगा।
नेचर ऑफ द स्कॉलरशिप, डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप ट्रांसफरेबल नहीं है किसी भी फॉर्म में, किसी और स्टूडेंट के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है और ये वन टाइम यूज के लिए है। याद रखिएगा, यू हैव 90 डेज, आप हमारा कोर्स कभी भी परचेज करें। आप आज परचेज करना चाहते हैं, एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने के अंदर आप इसको परचेज अगर करना चाहते हो तो आप परचेज करके हमें आप मेल करेंगे सारी डिटेल्स के साथ और बैंक अकाउंट के साथ, तो आपको हम स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डाल देंगे। सो गाइस, दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम जो ये कोर्स परचेज कर रहे हैं, ये कोर्स हमने सपोज हमने परचेज कर लिया, जो ये आपका वीडियो था ये वीडियो हमने देखा ही नहीं। मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर ए है जिसको स्कॉलरशिप दी गई थी, बट वो मिस्टर ए ने किसी एसोसिएटेड पार्टनर से, हमारे किसी फ्रेंचाइजी, किसी अदर वेबसाइट से कोर्स परचेज कर लिया, राइट? हमारे अदर वेबसाइट से कोर्स परचेज कर लिया, किसी एसोसिएटेड पार्टनर से कोर्स परचेज कर लिया, बट उनको स्कॉलरशिप भी मिला है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप वो परचेज डिटेल्स अलॉन्ग विद द बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप इसी मेल आईडी पर सेंड करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आप वही हैं, तो हम आपको अमाउंट भेज देंगे। सो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सो गाइस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू for getting a scholarship and wishing you all the very best for our upcoming batch of CA Final FR regular course. आपको कोई भी अगर queries हो तो आप description में दिए हुए numbers पर contact कर सकते हो। Thank you so much.